गुना शहर के सदर बाजार में रहने वाली एक महिला अपनी मौत के बाद दो लोगों की जिंदगी रोशन कर गई। उनके निधन के बाद परिवार वालों ने संकल्प के अनुसार उनकी दोनों आंखें डोनेट कर दी। लायंस आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पहुंचकर उनकी दोनों आंखें निकाली। गुना से दोनों आंखें इंदौर के आई बैंक भेज दी गई। किसी जरूरतमंद को आंखें लगाई जाएगी। सदर बाजार में रहने वाली व्यवसायी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल मामा की पत्नी शारदा देवी का 70 वर्ष की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रही थी। परिवार वालों ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले उन्होंने नेत्रदान का संकल्प ले लिया था। उनके इसी संकल्प को पूरा करने के लिए परिवार वालों ने नेत्रदान करने की बात कही। उन्होंने डॉक्टरों को फोन कर संकल्प से अवगत कराया। शहर के लायंस आई हॉस्पिटल की टीम उनके घर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उनकी दोनों आंखें निकाली। डॉक्टरों ने आंखें निकाल कर इंदौर के आई हॉस्पिटल भिजवा दी। डंपी खान की रिपोर्ट। मेरी माता ही शारदा देवी अग्रवाल का निधन कल दिनांक 16/2/2022 को हो गया था। उन्होंने 10 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि उन्हें अपनी नेत्रों का दान करना है, जिससे आगे भी उनकी आंखें जीवित रह सकें। कल लायंस चिकित्सालय को फ़ोन करके बुलाया गया और उनकी आंखें डोनेट की गईं, जो कि चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने बताया कि इंदौर भेजी गई और कैंप में रखी गई, जो कि इंदौर आई बैंक में रखी गई हैं। किन्हीं दो नेत्रहीन व्यक्तियों को वो आँखें लगाई जाएंगी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस होगी और दुनिया को देख सकेंगे। धन्यवाद। डंपी खान की रिपोर्ट।